मस्तिष्क और रीढ़ की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम डॉक्टर सचिन तोमर, मस्तिष्क व रीढ़ के विशेषज्ञ व सर्जन। फिनिक्स स्पाइन एवं न्यूरो सर्जरी सेंटर मेट्रो प्लाजा के निकट मेरठ मॉल में स्थित, दिल्ली रोड मेरठ। मेरठ हस्तनापुर विधानसभा के लिए सपा रालोद प्रत्याशी योगेश वर्मा को आज गुर्जर बाहुल्य करीमपुर में भव्य स्वागत के साथ ही सभी ने हाथ उठाकर पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की। इस दौरान किसान आंदोलन व किसानों की दुर्गति का मुद्दा बड़ी शिद्दत से उठा। योगेश वर्मा ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों को बेहद अपमानित किया गया। भाजपा के 3 काले कृषि कानून के कारण करीब 750 किसानों को शहादत देनी पड़ी। किसान इस बात को भूला नहीं है, इसका बदला वे भाजपा प्रत्याशी को हरा कर लेने जा रहे हैं। सभा के बाद फर्स्ट बाइट से वार्ता करते हुए योगेश वर्मा ने यह कहा। क्या कहेंगे, जैसे कहा जा रहा है किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहा है। किसान जो कुचल दिए गाड़ियों से, किसानों पे जो बारिश में जो अपना समय काटा, एक साल 700-800 किसान शहीद हो गए, और सर्दी के मौसम में पानी की बौछारें, जिस तरीके से अत्याचार और जुल्म हुआ है, ऐसे तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था जो जुल्म इन्होंने किया है। आप गांव-गांव में जा रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि ये मुद्दा बनेगा किसानों में, इसको लेकर के आक्रोश है? यही ये मुद्दा है, और यहाँ इस विधायक का भी एक मुद्दा है। इसने कोई काम नहीं किया है, इसने भी बहुत सारे लोगों पे मुकदमे दर्ज कराए हैं और जुल्म किया है, ज़मीनों पे कब्जे कराए हैं, मैं आपको बता दूं। और किसानों का ये मुद्दा तो आम है, पूरे देश में है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसानों ने तय कर लिया है कि हम इस लाठी वाली सरकार को और जुल्मी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अब की बात, एक वकील वाला मामला भी उठाया जिन्होंने आत्महत्या की थी, क्या था वो? वो उत्पीड़न करना, किसी का शोषण करना। आदमी जब ये देख लेगा कि मैं अगर इसमें कुछ ऐसे मतलब इनकी पूर्ति नहीं कर पाऊंगा जो उन्होंने डिमांड की, जो उन्होंने धमकी दी, जो उन्होंने रंगदारी टाइप की एक मांगा जो उनसे, तो उसको पूरी नहीं कर पा रहे थे, उनके पास पैसा नहीं था देने के लिए। उन्होंने सोचा कि मरना ही बेहतर है, ये लोग वरना वैसे मार देंगे, तो उन्होंने आत्महत्या। विधायक का हाथ रहा है? विधायक के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज हुआ है, इसमें विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मेरे विचार से सरकार इनकी है, शायद उसका नाम, उनका नाम वापस कर दिया। विधायक ने तो बहुत लोगों को ऐसा किया है कि कई लोग आत्महत्या के कगार पे पहुंचा दिए उन्होंने। ये उन्होंने जो मारा, एक तरह से मर्डर ही है ये, जिसका उत्पीड़न करके सब वीडियो चारों तरफ जो पीड़ित परिवार है उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? उनके खिलाफ जिन्होंने किया है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे दोबारा से। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।